लॉकडाउन में इतने दिनों के बाद भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। सिंगरौली से होकर हजारों की संख्या में प्रतिदिन मजदूर पैदल चलकर अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय नेताओं और प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं नजर आ रही। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सिंगरौली के बरनवा मुख्य मार्ग पर कई लोग कड़ी धूप में देखे जा सकते हैं। 41 डिग्री तापमान में मजदूर बच्चों को लेकर पैदल ही घर पहुंचने की आस में निकल पड़े हैं। ऐसा ही नजारा रेलवे पटरियों पर भी देखने को मिला है। पलायन करते इन प्रवासी मजदूरों की सुध लेना शायद जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के नुमाइंदे जरूरी नहीं समझते। ऐसे में कुछ लोग इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं, जो स्वयं के खर्चे पर इनके भोजन की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। मोरवा एनसीएल अस्पताल के समीप बिरला कॉलोनी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने टेंट लगाकर यहां से गुजर रहे मजदूरों को भोजन कराने की व्यवस्था की है। कई प्रदेशों से आए मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इनको निकाल दिया गया है, जिससे मजबूरीवश इनको पैदल घर के लिए निकलना पड़ा है। आ रहे हैं जयपुर से। जयपुर राजस्थान। राजस्थान कितना दिन हो गया आप लोगों को चले? आज का है 17 दिन पैदल। खाली गाड़ी कहां से मिली है? सीधी से बैठन का। कल बैठन का सीधी से बैठन तक, बैठन से इधर कहीं को आपको गाड़ी नहीं मिली? और सीधी के आगे भी कहीं गाड़ी नहीं मिली? कहीं नहीं, सीधी के आगे कहीं नहीं मिली। ऐसा टेकर टेकर पुलिस वाले बैठा दे रहे हैं। 2 किलोमीटर जाकर छोड़ दे रहे हैं। कहाँ आपका घर है यहाँ पर? चलिए, आप तो घर के बगल में आ गए हो आप लोग। छोटे छोटे बच्चों को लेके आप लोग चले हो? इतने 5 आदमी देख के बताए कि लोकल है। अच्छा, ये तो तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो पैदल ही चल रहे हो? कितने दिन से? झारखंड में घर कहाँ तुम्हारा? कुरला। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।